महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त तुकाराम मुंडे आखिरकार मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। इस दौरान नागपुर वासियों ने उनके प्रशासकीय आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। कई लोगों ने उन्हें नम आंखों से अलविदा कहा तो कई लोगों ने मुंडे के जाने पर विरोध भी जताया। सभी ने तुकाराम मुंडे को भारी मन से अलविदा कहा। आपको दिख रही ये भीड़ पैसे देकर बुलाई नहीं गई है और ना ही ये लोग किसी लालच से नारेबाजी कर रहे हैं। ये भीड़ है मनपा के पूर्व आयुक्त मुंडे के लिए। पंद्रह दिन पहले राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने मुंडे का तबादला कर दिया। उसी आदेश को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन अभी तय नहीं कि मुंडे को किस पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। फिलहाल मुंडे का कार्यकाल नागपुर से खत्म हो गया है। इस लिहाज से उन्होंने गुरुवार की शाम को एक वीडियो पोस्ट कर नागपुर और नागपुर वासियों को अलविदा कहा, जिसके कारण लगभग 7 महीने रहने के बाद आज मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। ये 7 महीने में इस शहर को जिस ऊंचाई पे ले जाने की मैंने कोशिश की, उसमें कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, कुछ प्रोजेक्ट चालू है और कुछ चालू करने थे, लेकिन इसमें ही मेरी ट्रांसफर हो गई। अब मैं चल पड़ा मेरी राह की ओर, जिसके कारण सुबह से ही उनके निवास के आगे नागरिकों का मजमा जम गया। हालांकि मुंडे को कोई भी अलविदा नहीं कहना चाहता। मुंडे बाहर आते ही उन पर फूल बरसाए गए तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बहरहाल मुंडे को नागपुर वासियों ने नम आंखों से अलविदा कहा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।